बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज नंबर है 6.1। 6.1 हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, और अभी तक हमने यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है शो दैट द लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है। शो दैट द लाइंस 3x-2y इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन भी हमें गिवन है 2x-3y-13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें कहा गया शो दैट दीज लाइंस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। कौन सा सर्कल? सर्कल की भी इक्वेशन हमें यहां पर गिवन है, टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² + 6x - 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि हमें इस क्वेश्चन में दो लाइंस गिवन है। ठीक है, एक लाइन है 3x-2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 2x+3y-13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस को हमने शो करना है कि हमारे एक सर्कल पे ये टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन टेंजेंट लाइंस हैं टू द सर्कल। कौन से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है ये? x² + y² + 6x - 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ग्राफिकल यानी कि ग्राफ से हम समझते हैं, यानी कि मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके कि सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली एक सर्कल की शेप में ले आता हूँ, ये सर्कल बन गया। ठीक है, ये सपोज करते हैं कि ये हमारा सर्कल है x² + y² + 6x - 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल है, और तो और हमने प्रूव क्या करना है, फिर प्रूव ये करना है कि दो लाइंस हैं, एक लाइन सपोज ये एक लाइन है इस तरह से। ठीक है, टेंजेंट लाइन उसने कहा ना, तो टेंजेंट लाइन वही होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो टच करे, ठीक है, सर्कल को, तो सर्कल की टेंजेंट लाइन वही होती है। तो सपोज करते हैं कि ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x+3y-13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है हमारे इस सर्कल पे। इसी तरह से एक और लाइन हमें दी हुई है 3x-2y, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बना रहा, ठीक है, हो सकता है ऊपर वाली लाइन जो है वो दूसरी हो, 3x-2y वाली हो। ठीक है, तो हम बस समझने के लिए ये एक डायग्राम में बना रहा हूँ। ये भी सही नहीं, स्ट्रेट नहीं बनी है, तो ये इस तरह से तकरीबन जो है एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर लें, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसकी इक्वेशन जो है वो है 3x-2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो हैं, इन दोनों लाइंस को हमने शो करना है कि इस सर्कल पे टेंजेंट है, और इस सर्कल की इक्वेशन भी मैं साथ में लिख देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन है x² बल्कि ऊपर लिखी हुई है x² + y² + 6x - 4y इज इक्वल टू 0। तो अब सोचने की बात यह है कि हम प्रूव कैसे करेंगे इसको। तो प्रूव हम ऐसे कर सकते हैं कि चलें एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे हमें शायद बेहतर समझ आ जाए कि ये भी चलें वही सर्कल है। ठीक है, जो ऊपर बना हुआ है, अगर ये भी वो सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पर करके आ जाएगा, तो कोई मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एक लाइन है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये लाइन जो है ये इसकी इक्वेशन है 2x+3y-13 इज इक्वल टू 0। अगर ये इस तरह से लाइन है तो इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं चले डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। परपेंडिकुलर लाइन यानी कि इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएं तो ये बनता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या रेडियस के इक्वल है? नहीं,
क्यों इक्वल नहीं है, ये देखें यहाँ ये छोटा सा गैप आ रहा है, रेडियस तो होता है सेंटर से बाउंड्री ऑफ सर्कल तक, ये बाउंड्री तक तो पहुंच नहीं रहा सर्कल, ये इस लाइन तक पहुंच रहा है और लाइन तो सर्कल के अंदर लाया कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन के ऊपर, तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से ये परपेंडिकुलर बनेगा, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट तक जा रहा है जिस पॉइंट पे वो लाइन टेंजेंट लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल को, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लाइन तब ही टेंजेंट होगी जब सेंटर से उस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो आपके सामने एग्जांपल है कि अगर ऊपर आप ऊपर वाली फिगर में आप देखें तो इसमें क्या है कि ये एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच रहा है, ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनाया है मैंने, परपेंडिकुलर लाइन जो बनाई है एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच रहा है जो जिस पॉइंट पे वो लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है। अब इस केस में आप देख सकते हैं नीचे वाली फिगर में कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से सेंटर ऑफ सर्कल तक वो रेडियस के इक्वल नहीं है, और दूसरी बात यह कि ये लाइन टेंजेंट भी नहीं है इस सर्कल पे, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है, टच नहीं कर रही है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है। तो समझने वाली बात यह थी कि जब सेंटर से लाइन किसी लाइन तक जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर रेडियस के इक्वल हो, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब जाके वो लाइन उसे हम कहेंगे ये टेंजेंट है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये हो कि वो रेडियस के इक्वल ना बन रहा हो, ठीक है, ये सेंटर है और यहाँ पर करके जो है ये लाइन लाए करिए, ठीक है, तो लाइन और सेंटर के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल नहीं है तो फिर वो टेंजेंट भी नहीं है, ठीक है, ये लाइन टेंजेंट भी नहीं है। अच्छा, अब इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि ये तो टेंजेंट नहीं थी, ये तो सिर्फ समझना था हमने। अच्छा, अब हमने शो करना था, तो शो हम पॉइंट यहाँ पर देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल वाकई है या नहीं, ये तो अभी ग्राफ के ज़रिए हमने देखा ना, तो अब भी तो हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर हमें नहीं गिवन, सेंटर हमें नहीं गिवन, तो हम किस तरह से, ये सेंटर पॉइंट है तो इस लाइन और सेंटर के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरह से निकालें, पहली बात तो ये है, ठीक है। चलें, अगर हमें सेंटर पॉइंट गिवन होता और हम यहाँ से सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालते पॉइंट टू लाइन, ठीक है, वो फार्मूला हम यूज़ करते, तो फिर हमारे पास अगर रेडियस के इक्वल आता हम कहते जी बिल्कुल ये जो है टेंजेंट लाइन है जिसके साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, लेकिन अब सेंटर पॉइंट ही नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल तो गिवन है ना, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो आप उससे उसका सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन से हम सेंटर फाइंड कर लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है वो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो उसका सेंटर निकालना या रेडियस निकालना कोई अब मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अब कंपेयर करेंगे और हम सेंटर भी निकाल लेंगे और रेडियस भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, टू जी इज इक्वल टू सिक्स है और टू एफ जो है इज इक्वल टू माइनस फोर है और c इज इक्वल टू जीरो है क्योंकि इस जो हमें गिवन इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन उसमें कांस्टेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो मैंने लिखा। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी थ्री और f की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू और c की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल टू जीरो है। तो सेंटर किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर जो है वो इक्वल होता है माइनस जी माइनस एफ, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, मतलब के सेंटर हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री पॉजिटिव टू के, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास आ चुके हैं माइनस थ्री और पॉजिटिव टू। उसके अलावा रेडियस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस चले मैं उसका फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट।
ठीक है, तो जी स्क्वेयर जी यहाँ पर 9 है, और जी स्क्वेयर यानी कि 9 है, और प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर इज़ 4, और 0 का स्क्वेयर इज़ 0 एज इट इज़ माइनस 0, ठीक है, और उसका स्क्वेयर रूट है, तो 9 प्लस 4 इज़ 13, स्क्वेयर रूट ऑफ 13 इज़ द रेडियस, ठीक है, रेडियस की वैल्यू 13 है, और सेंटर पॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन ये हमारा जो है वो टास्क नहीं था, हमारा टास्क था कि हमने इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को जो है वो टेंजेंट लाइन प्रूव करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट चाहिए था, इस वजह से मैंने ये सेंटर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास सेंटर आ चुका है, अब मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। -3, बल्कि एक पॉइंट है ये और ये लाइन है, ठीक है, पॉइंट और लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ए एम ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस बी एन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब इसमें ए क्या है, एम क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है, ये एन है और ये एन है। अच्छा, अब ए इंटू एम प्लस बी इंटू एन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब ए जो है वो कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, ठीक है, यानी कि जो लाइन है उसकी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसका कोऑर्डिनेट ए एक्स का जो कॉफिशेंट है वो 2 है, और वो ए वैल्यू है, ठीक है, तो 2 इंटू एम, एम अब क्या होता है, एम जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट हमें गिवन है यानी कि -3, और उसके अलावा प्लस बी जो है वो वाई का कॉफिशेंट है, 3 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट एन है, ठीक है, तो वो 2 आ जाएगा, प्लस सी, सी अब यहाँ पर जो है इक्वेशन ऑफ लाइन में जो कांस्टेंट है -13 मौजूद है, -13 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर 2 स्क्वेयर प्लस बी है यहाँ पर 3, 3 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो ये अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल टू आर होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जब यहाँ से इसको आप यानी कि सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास 13 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 13 आता है, जो कि इक्वल होता है स्क्वेयर रूट ऑफ 13 के, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेडियस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है स्क्वेयर रूट ऑफ 13, मतलब कि यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड द लाइन पासिंग, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है वो रेडियस के इक्वल आ चुकी है, उसका मतलब ये है कि जो लाइन हमने जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो टेंजेंट है टू द सर्कल, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह से दूसरी लाइन को भी हम जो है प्रूव करेंगे, दूसरी लाइन को भी एज इट इज़ हम यानी कि इस साइड पे मैं कर लेता हूँ, तो ए इस केस में क्या हो जाएगा, चलें यहाँ मैं ए इस केस में लिखता हूँ, जो पहला केस था हमारे पास, ए जो है वो उसकी वैल्यू 2 है, बी जो है वो उसकी वैल्यू हमने ली है 3, और सी की वैल्यू यहाँ पर -13 है, और उसके अलावा एम की वैल्यू हमने -3, ठीक है, पॉइंट है ना, तो एन की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 2, ये यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ यूज़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या वैल्यूज़ होंगी, अब मैं नीचे वाली लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें ए क्या है, ए इज़ इक्वल टू 3 है, और बी क्या है, बी इज़ इक्वल टू -2 है, और सी क्या है, इस केस में 0 है, एम क्या है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -3, उसके अलावा जो है एन, एन जो है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 2, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको यूज़ करते हुए हम फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है, 3 इंटू ए इंटू एम, एम क्या है जी हमारे पास इस केस में -3, और प्लस बी एन है, बी हमारे पास है -2, -2 इंटू एन, एन की वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 2, प्लस सी यहाँ पर इस केस में 0 है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी इज़ -2 का स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर रूट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में वैल्यू आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 13, जो कि इक्वल टू रेडियस है। तो ये भी आपका यानी कि प्रूव हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है, ठीक है, इस तरह से इस लाइन का और इस सेंटर पॉइंट का, वो डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब ये रेडियस के इक्वल आ जाता है ये डिस्टेंस, तो हम कह देते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि ये लाइन जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उससे रिलेट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में पहले यानी कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉपिक ये है कि दो सर्कल्स जब एक्सटर्नली कब आपस में टच हो रहे होते हैं, ठीक है, और इंटरनली कब टच हो रहे होते हैं। मैं ग्राफ से बताता हूँ एक्सटर्नली और इंटरनली क्या केस क्या होता है। सपोज हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली हम एक सर्कल की शेप में ले आते हैं। ये हमारे पास सर्कल है। अब एक और सर्कल मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है, डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। एक और सर्कल हमारे पास ये है, इसको भी मैं एग्जैक्टली सर्कल की शेप में ले आता हूँ। ये दो हमारे पास सर्कल्स हैं और ये दोनों आपस में एक्सटर्नली कब टच होंगे, मतलब इनकी बाउंड्रीज आपस में टच हो रही होंगी। इसको थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह से यानी कि टच हो रहे होंगे, ये बाउंड्री इनकी आपस में मिल रही होगी। मैं थोड़ा सा और इसको मज़ीद कर लेता हूँ साथ, यहाँ पर करके, ठीक है, इस तरह से यानी कि ये एक्सटर्नली टच हो रहे होते हैं सर्कल्स। और इंटरनल सर्कल सपोज मैं कहता हूँ ये इसका जो है सेंटर पॉइंट है और इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एक और हम सर्कल यहाँ पर बनाते हैं, मतलब एक और दूसरा केस मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि एक सर्कल हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, इसको हम सर्कल की शेप में पहले लेके आते हैं। ये सर्कल हमारे पास मौजूद है और एक और सर्कल मैं अब बनाऊँगा और इंटरनली का केस हम देखेंगे, इंटरनली टच कैसे करते हैं सर्कल्स और एक्सटर्नली किस तरह से टच करते हैं सर्कल्स। इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ, बिल्कुल बाउंड्रीज इनकी जो है वो टच हो रही होनी चाहिए, ये इस तरह से ये केस होता है, ठीक है। मतलब के अगर मैं इसका थोड़ा सा एरिया बड़ा कर दूँ, मतलब इसको मैं थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर लेते हैं, एग्जैक्टली इस तरह से, ठीक है। मतलब अब इनके सेंटर्स आप देखें कहाँ पर लाई कर रहे होंगे। इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, और इस सर्कल बड़े सर्कल का सेंटर जो है वो कहीं पे यहाँ पर करके लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली टच करने वाला जो है ये केस है, ठीक है, एक्सटर्नली टचिंग, ठीक है, टचिंग एक्सटर्नली सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, और ये केस है सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन देखना है, ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि अभी तक इसका ये आप अपने माइंड में रखें कि एक्सटर्नली टच किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है, और ग्राफिकली हमने देखा कि इंटरनली टच कैसे कर रहे होते हैं सर्कल्स। अब इसका जो आगे यानी कि कैलकुलेशंस बनती हैं या इनकी करेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर का टाइम जो है वो कवर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।